Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and in this video, I'm going to teach you Milton's world-famous sonnet on his blindness. आपको मालूम है कि जो जॉन मिल्टन है वो एक बहुत बड़े कवि हैं इंग्लिश लिटरेचर में. शेक्सपियर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है जॉन मिल्टन, पहली बात. दूसरी बात, जॉन मिल्टन एक बहुत ही ज्यादा सख्त धार्मिक किस्म के आदमी थे. वो प्यूरिटन थे. क्रिश्चियनिटी में, यानी ईसाई धर्म में, प्यूरिटन धर्म भी एक होता है. जैसे यहाँ हम हिंदुओं में से निकले हुए सिख लोग निकले हैं जैसे, वैसे ही. और वो अपने धर्म को लेकर काफी कट्टर होते हैं. आपने देखा होगा, पगड़ी बांधते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं. सजावट पसंद नहीं है उनको, मूर्ति पूजा नहीं करते. ऐसे ही प्यूरिटन जो लोग होते हैं वो गॉड के खिलाफ नहीं जाते, और वो ऐसा मानते हैं कि जैसा गॉड ने हमें बना के भेज दिया है वही हमारा धर्म है कि हम उसके अकॉर्डिंग ही जीवन जिए. तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, और आपकी जो हमारे सिलेबस में कविता है उसको पढ़ते हैं. कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ठीक है, मैं कविता का नाम ऊपर लिखना भूल गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. अब इस कविता को फटाफट समझ लो. सोनेट है ये. सोनेट के कितने लाइन की होती है? 14 लाइन की कविता होती है, जिसमें कवि क्या करता है, पहले 8 लाइन में और फिर बाद में 6 लाइन में कविता को बांट देता है. 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव. और 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट. व्हेन आई कंसीडर, व्हेन मैंने जब, मैं कंसीडर मतलब सोचता हूं, हाउ कैसे माय लाइट इज स्पेंट. लाइट का मतलब यहाँ पे आंखों की रोशनी, कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी स्पेंट यानी खर्च हो गई, अर्थात मैं अंधा हो गया. तो हम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मिल्टन जो है वो 45 की एज में ही उनकी आंखें खत्म हो गई थी. इतना वो रीड करते थे. उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक बुक लिखी थी जो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बड़ी महाकाव्य की कैटेगरी में आती है, और वो 8 से 10 भाषाओं के आसपास उनको आती थी. वो सारे दिन पढ़ते रहते थे. तो जब उनकी कम समय में आंखें चली गई तो उनको ऐसा लगा कि जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखें कैसे चली गई, मेरी नजर चली गई, मेरी रोशनी खत्म हो गई. इर पुरानी इंग्लिश का शब्द, इसका अर्थ होता है बिफोर. हाफ माई डेज, अभी तो मेरे आधे दिन ही नहीं बीते, अर्थात आधी उम्र ही नहीं बीती. कहां? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. वाइड मतलब चौड़ा, विस्तार लिए हुए. इस डार्क, डार्क क्यों कह रहे हैं बताओ? क्योंकि अंधे हो गए हैं तो संसार में अब उनको रोशनी नजर नहीं आती. किस अंधेरे संसार में मेरे अभी आधी जिंदगी नहीं बीती और पहले मेरी रोशनी चली गई. एंड दैट वन टैलेंट, वो दैट मैंने वो एक टैलेंट. कौन सा टैलेंट है राइटर में? कविता लिखने का. कहते हैं वो जो टैलेंट है विच इज डेथ टू हाइड, जो डेथ मुझसे छुपाती, अर्थात वो टैलेंट मेरे से तभी छुपता या खत्म होता जब मुझे मौत आती, लेकिन अब मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं. लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड का मतलब है रखा हुआ है मेरे साथ ये टैलेंट, लेकिन बेकार, यूजलेस. दो माई सोल मोरमेंट, दो मैंने क्या होता है, यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो बहुत ज्यादा झुकी हुई है, उत्सुक है. बेंट के कई अर्थ होते हैं. टू सर्व, कि मैं सेवा करूं, देयर विद, उसके साथ, मेरे लेखन कला के साथ मैं अपने बनाने वाले, माई मेकर मतलब अपने बनाने वाले अर्थात परमात्मा की सेवा करूं, भजन लिखूं. अब मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अंधा हो गया. अब मेरे जो टैलेंट है लिखने का वो यूजलेस है मेरे पास. एंड प्रेजेंट, और भगवान चाहते थे कि मैं लिखूं और प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट करूं माई ट्रू अकाउंट. अगर आज मेरे पास आंखें होती तो मैं कम से कम अपना सच्चा लेखा जोखा, अकाउंट का मतलब लेखा जोखा, वृतांत मैं भगवान को सुनाता. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइड, लेस्ट का अर्थ होता है वरना, कहीं ऐसा ना हो कि ही यानी परमात्मा रिटर्निंग बदले में, चाइड मतलब मुझे डांटे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे डांटे कि तुझे जो कुछ टैलेंट देके भेजा था उसका तूने इस्तेमाल ही नहीं किया और मैंने कुछ लिखा नहीं उससे पहले, मैं अंधा हो गया. तो समझ में आ रही है आपको कविता? ये सोनेट है और इसकी राइम स्कीम आप देख लीजिए. राइम स्कीम होता है तुकबंदी, स्पेंट वाइड हाइड बेंट, तो ए बी बी ए, इस तरह से एक कविता में रिदम रखा गया है और इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में. बस आपको ये याद रखना है कि मिल्टन की कविताएं और शेक्सपियर की कविताएं जो सोनेट्स हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं. उसकी स्पेलिंग आगे आपको बताई जाएगी. ठीक है, तो कविता समझ में आ गई. व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे मेरी रोशनी खर्च हो गई, इन हाफ डेज, आधे दिन बीतने से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो मेरे साथ एक हुनर था,
विच इज डेथ टू हाइड, जो मुझसे मौत ही छुपाती, लॉज्ड विद मी, वो रखा हुआ है मेरे साथ, यूजलेस, बेकार दो, हालांकि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा बहुत ज्यादा उत्सुक है टू सर्व देयर विद, कि मैं सेवा करूं उस टैलेंट के साथ, माई मेकर, मेरे मालिक की, मेरे बनाने वाले की, एंड प्रेजेंट, और उनको प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, लेस्ट कहीं वरना ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो बदले में मुझे डांटे। भगवान किस लिए डांटे, कि तुझे टैलेंट देके भेजा था, तूने कुछ किया क्यों नहीं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन राइटर ने खुद से पूछा है कि डथ, पुरानी इंग्लिश है, डथ का मतलब है डस, गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब फिक्स कर, क्या भगवान फिक्स कर देता है डे लेबर दिन का काम, और लाइट डिनाइड और रोशनी के लिए मना कर देता है, और राइटर खुद से प्रश्न कर रहा है। इस तरह के प्रश्न का मतलब है कि राइटर सोच रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ही सब कुछ करता है और उसने मुझे काम दिया, लेबर दिया, भाई तुझे लिखने का टैलेंट दिया है मैंने, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो रोशनी छीन ले, जरूर इसमें कोई गहराई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं बहुत ज्यादा प्यार से, फॉन्डली मतलब इच्छा से, मेहनत से पूछता हूं भगवान से या अपने आप से कि यार ऐसा क्यों किया भगवान ने, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा सबर है, पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, वो मुझे रोकती है, उस मर्मर का मतलब है फुसफुसाहट जो मेरे अंदर आवाज आ रही है, और जल्दी ही मेरे अंदर से एक आवाज जवाब देती है, सून मतलब जल्दी, रिप्लाईज मतलब जवाब देती है, गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को नहीं चाहिए, डथ मैंने डज, गॉड को नहीं चाहिए ईदर मैंस वर्क, ना तो इंसान का काम चाहिए और हिज ओन गिफ्ट, या भगवान ने जो गिफ्ट देके भेजी है वो भगवान को वापस नहीं चाहिए तुमसे, गॉड ने जो तुम्हें देके भेजा है तुम अपना काम करो, उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हु बेस्ट बेयर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, जो सबसे अच्छे तरीके से सहता है, हिज माइल्ड योक, माइल्ड मतलब हल्का, योक मैंने बंधन, ये जो आत्मा और शरीर का जो बंधन गॉड ने बना के भेजा है, इस बंधन को जो सबसे अच्छे तरीके से झेलता है, जीता है, सबर के साथ में अपना जीवन जीता चला जाता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। अब क्या अर्थ निकला इस कविता का बताइए, कि भगवान ने आपको पैदा करके भेजा और बहुत समस्याएं आ रही हैं लाइफ में, तो आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया, क्योंकि भगवान ने पैदा किया इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, और ये बात बाद में सिद्ध हुई। देखिए जब इस राइटर ने अंधे होने के बाद पैराडाइज लॉस्ट लिखा, मतलब है ये बोलते थे और इनके जो साथी थे वो लिखते थे, ऐसे करके बहुत बड़े कवि बने बाद में, आज तक इनका नाम लिया जाता है। इसका मतलब है कि भगवान ने जब इनको पैदा किया और इनकी आंखें छीन भी ली तो कोई बात नहीं, भगवान ने इनको ज्ञान दिया, समझने की शक्ति दी, समझ में आ रही है आपको। तो क्या अर्थ है इस कविता का, कि गॉड ने जो तुम्हें बंधन दिया है जीवन का, आत्मा और शरीर का, माइल्ड बंधन है ये, माइल्ड बंधन का मतलब क्या है, अचानक से टूट भी सकता है, और वैसे हमेशा आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन जोर से ट्रक से टक्कर हुई तो एक सेकंड में खत्म भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक जिंदा है उसको आप भगवान का काम मान करके, कि भाई भगवान ने जीवन दिया उसको मैं जीता चला जाऊंगा, यही उसकी सेवा है। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान तो राजा के समान है, स्टेट मतलब उसकी अवस्था, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों भगवान के आदेश से, बिडिंग का मतलब आदेश से, स्पीड से लगे हुए हैं, तेजी से लगे हुए हैं, एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट का मतलब काम पे लगे हुए हैं, किसी को पोस्ट मिलती है ना, पोस्ट का मतलब लगे हुए हैं, ओवर लैंड एंड ओशन, हजारों जो फरिश्ते हैं ओशन पे और धरती पर भगवान के काम में लगे हुए हैं बिना आराम के, हजारों एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत भगवान के काम में लगे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें कहीं देवदूत की हिंदी नहीं आई, लेकिन इसका मतलब है कि हजारों लोग काम पे लगे हुए हैं, हजारों इंसान भी देवदूत ही, दे ऑल्सो सर्व, वो भी तो सेवा ही कर रहे हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और जो केवल कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए आपने गांव में देखा कि एक आदमी की पैर नहीं है और वो घर वाले उसको खाना खिला देते हैं और वो बस पड़ा रहता है, लेकिन वो भगवान का नाम लेता रहता है, इसका मतलब वो भगवान ने उसको किसी पाप की सजा दी होगी, इसका मतलब उसको भुगतना ही है। तो इस कविता में धर्म और आध्यात्मिकता का पुट है बच्चों, कविता की राइम्स की मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेंट वाइड हाइड बेंट, अगर पहली आवाज को ए मान लें और दूसरी को बी, तो दूसरी जैसी ही फिर से तीसरी आवाज भी है, तो हम उसको ए बी सी डी से लिखते हैं, ए बी बी ए, फिर
प्रेजेंट स्पेंट से लिंक हुआ ना बेंट से, तो इसका मतलब फिर ए बी बी ए है ना, फिर नीड बेस्ट स्टेट एंड स्पीड है ना, तो नीड इससे रिलेटेड हुई, सी मान लो इस आवाज को है ना, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई सी डी ई, ऐसे करके ये इसकी राइम स्कीम। अब अच्छा मैंने आपको दिया है कि वहां पे एग्जाम में आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखो। अब मान लीजिए लास्ट की चार लाइन है उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आया, तो आप कैसे लिखेंगे? दीज इमोशनल एंड ब्यूटिफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह खूबसूरत और भाव प्रधान जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं सबसे फेमस मिल्टोनिक सोनेट से जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, सबसे पहले कवि का नाम और कविता का नाम बताते हैं, फिर बताते हैं कविता के बारे में थोड़ा सा आइडिया कि कविता किस बारे में। तो इन दिस सोनेट द पोएट फियर्स, कवि डर रहा है कि गॉड विल स्कोल्ड हिम, भगवान उसे डांटेगा, स्कोल्ड मैंने डांटना, फॉर किस लिए, फॉर नॉट शोइंग एंड प्रॉपरली, नॉट शोइंग एंड प्रॉपरली इज पोएटिक एबिलिटी, कि आप जो काव्यात्मक क्षमता है उसको कवि ने अच्छी तरह से शो नहीं किया, लिखा नहीं कुछ, विच वॉज गिवन टू हिम, जो उसको मिली थी गॉड के द्वारा, दी गई थी। बट सडनली द पोएट रियलाइजेस, लेकिन पूरी कविता में मेन बात क्या है, अचानक से कवि को ये अनुभूति होती है, रियलाइजेस होता है, रियलाइज होता है दैट कि गॉड डज नॉट रिक्वायर, भगवान को जरूरत नहीं है ना तो आदमी के काम की और ना ही एक्सप्रेशन ऑफ दोज एबिलिटी, कि वो उन योग्यताओं का प्रदर्शन करे जो भगवान ने उसको देके भेजा है। तो ये आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, ये अंतिम पंक्तियां हैं जिसमें द पोएट इज प्रेजिंग गॉड, गॉड की तारीफ कर रहा है कवि, एंड सेज कहता है कि गॉड्स कंडीशन इज लाइक अ किंग, गॉड किंग के समान है, हु हैज ऑर्डर्ड, जिसने ऑर्डर दिया है लोगों को, एंड कमांडेड द वर्ल्ड टू वर्क, और लोगों को आदेश दिया है सारे संसार को कि वो काम करें, और लोग काम पे लगे हुए हैं। अकॉर्डिंगली इसी प्रकार थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों हजारों जो फरिश्ते हैं, कीप ऑन फ्लाइंग, उड़ते रहते हैं, कीप ऑन फ्लाइंग मतलब उड़ते रहते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम के, ओवर लैंड एंड ओशन, धरती और समुद्र के ऊपर, टू कैरी आउट गॉड्स ऑर्डर, ताकि वो भगवान के आदेश का पालन कर सके। कैरी आउट का मतलब पालन करना। दे आर हिज सर्वेंट्स, वो तो उसके नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, नो डाउट, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मिल्टन, मिल्टन के अनुसार दोज, वो लोग हु आर जस्ट वेटिंग, जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई भगवान उनको ऑर्डर दे और कमांड दे, आर रेडी टू कैरी देम, और वो फिर उनको पालन करें आदेशों का, आर ऑल्सो हिज सर्वेंट्स, वो भी भगवान के सर्वेंट है, भगवान सबका मालिक है। इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में वी कैन से, हम कह सकते हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही हैज अंडरस्टूड, समझ चुका है कि दैट अ ह्यूमन बींग शुड लिव हिज लाइफ, उसको, इंसान को अपनी जीवन जीना चाहिए, एज गॉड हैज गिवन इट टू हिम, जैसे भगवान ने उसको वो जीवन जिया दिया है। वी शुड नॉट कंप्लेन, हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कंप्लेनिंग मीन्स, क्योंकि कंप्लेंट करने का अर्थ होता है नॉट ओबेइंग गॉड, भगवान का आदेश पालन नहीं करना, जो कि पाप है। वी ऑल नो, हम जानते हैं कि मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, मिल्टन का जो धर्म था वो प्यूरिटन था, एंड इज सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये एक खास किस्म का सेक्ट यानी धर्म का एक हिस्सा होता है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयों में, डज नॉट रेज एनी क्वेश्चन, वो उठाते नहीं है कोई प्रश्न, रेज मैंने उठाना, अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, विल मैंने इच्छा, भगवान की इच्छा के खिलाफ। अब आते हैं क्रिटिकल कमेंट पे। अब आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम में जब भी चार लाइन आएगी, पहला प्रश्न आएगा संदर्भ सहित व्याख्या करें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, और बाद में अपनी मर्जी से क्रिटिकल कमेंट लिखना। क्रिटिकल कमेंट में हम क्या लिखते हैं, कविता के बारे में जो भी चार बातें मैं आपको बता रहा हूं वो वहां पर एज इट इज लिख के आना, कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मिल्टोनिक सोनेट इन विच द पोएट हैज यूज्ड सिंपल डिक्शन, डिक्शन मतलब कठिन शब्द, तो राइटर ने शब्दों का साधारण इस्तेमाल किया है टू कैरी आउट हिज मीनिंग, अपना मीनिंग देने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं एक तरह की टिप्पणी कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं कविता के बारे में। द पोएम इज हाईली रिलीजियस इन टोन, कविता की टोन जो है वो धार्मिक है। सोनेट शोज द स्पिरिट ऑफ डिवोशन ऑफ द पोएट, कविता कवि का क्या बता रही है बताओ, डिवोशन मतलब भक्ति। द पोएट हैज क्रिएटेड ग्रैंड इमेजरी, महान इमेजरी, इमेजरी मतलब शब्दों के माध्यम से राइटर ने एक दृश्य क्रिएट किया, इसका समुद्र का ना, कमांडिंग गॉड, और ऐसे लगाया जैसे गॉड सबको कमांड दे रहे हैं और हजारों लोग, हजारों नौकर उसकी काम कर रहे हैं, ऐसा सीन कवि ने क्रिएट किया। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये उसकी स्पेलिंग है जो मैंने शुरू में बताया था, आयम्बिक पेंटामीटर एक मीटर होता है,
जिसमें कविता लिखी गई है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक वर्स, विच की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ये होनी चाहिए WHICH, गलती से छप गई है। इस विच का मतलब तो डायन होता है, आप थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक वर्स, क्योंकि मैं इसकी PDF ऑलरेडी बना चुका हूँ, PDF में स्पेलिंग नहीं बदली जा सकती। आयम्बिक पेंटामीटर को ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर, कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन की एक कविता है, 1674 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और उसके बाद लिखा है मैंने कि ये पब्लिश हुई थी 1673 में, और इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक में इसके इनके साइन थे, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आप चाहे इनको छोड़ भी सकते हो, पर मैं चाहता हूँ आप लोग इनको पढ़ें। फिर आए कि भाई ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये आप याद रख सकते हो, पेट्रार्कन एक राइटर का नाम था, पेट्रार्क वहाँ से बन गया पेट्रार्कन, उस स्टाइल में लिखी कविता, और इसकी जो राइम स्कीम क्या है, ABBA ABBA CDE CDE, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी बच्चा ये लिख के आएगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर आ गया कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखो, ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो उसका आंसर क्या है, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोइट दे दिया कि ये कवि कौन थे, वो 1952 में ब्लाइंड हो गए, ठीक है, 1608 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो 44 साल के थे, मैंने 45 बनाया बताया था, ये 44 साल के थे, मिल्टन ने कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वहाँ पे उनको क्लासिकल लैंग्वेज सिखाई गई, है ना, और शुरू में उनका रुझान जो है लैटिन नाम की भाषा की तरफ था, और वो क्रॉमवेल नाम के आदमी के लैटिन सेक्रेटरी बने, क्रॉमवेल एक राजा था। तो मिल्टन जो है हैड ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स के लिखे, उन्होंने काफी सारे वर्क्स, दैट इज व्हाई इसीलिए ही बिकेम ब्लाइंड, वो मैंने बताया कि अंधे हो गए। मिल्टन्स वर्क शोज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज, वो बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज दिखाते हैं अपनी कविता में, वास्ट लर्निंग, बहुत ज्यादा एजुकेशन दिखाते हैं, सेंसिटिविटी दिखाते हैं, और बहुत ही रिच अर्थात ज्यादा कल्पना शक्ति दिखाते हैं, ठीक है। उनका जो डिक्शन है वो बहुत ज्यादा शानदार है, मैजेस्टिक मतलब शानदार, डिक्शन मैंने शब्दों का कलेक्शन। फिर आगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम जो है वो सोनेट है, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, इसमें खुद के जीवन का रेफरेंस दिया है कवि, ओके। दिस पोएम प्रेजेंट्स टू अस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ, और कवि की कंडीशन बहुत पैथेटिक है कि वो इतनी दुखी हो रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे पास नजर नहीं है और टैलेंट है तो मैं क्या करूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनकी आंख की रोशनी समय से पहले ही चली गई थी। और फिर ये कविता उनका रिलीजियस फेथ भी दिखा रही है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद वही डिटेल फिर से हल्की सी लिख दो, जो बच्चे पहली बार बड़ा आंसर लिखेंगे उनको एक बात का ध्यान रखना है, एक ही बात को अगर हम थोड़ा घुमा फिरा करके बार बार लिखें तो हमारा 4-5 पेज का बड़ा आंसर तैयार होगा, वरना छोटी कविताएं हैं, छोटी मोटी जानकारी देने में तो बहुत कम पेज लगेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो पहले से ही ध्यान रखें कि आप इस कविता में देखिए मैंने एक्स्ट्रा जानकारी क्या दी, वो की वही जानकारियां कि वो हेल्पलेस और यूजलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास टैलेंट है लेकिन वो लिख नहीं सकते, और उनका धर्म में भी बहुत विश्वास है। फिर वो कह रहे हैं कि भगवान नहीं कहता कि तुम कुछ करो, फिर उनके मन से ही प्रश्न करते हैं, मन से ही उत्तर देते हैं। फिर ये लाइन कोट कर दो, कोट करने का मतलब होता है कविता की दो लाइन अगर आप याद कर सकते हो तो उनको याद कर लो। जो भी समझदार स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, जैसे जैसे वो कह रहा है अगर वो वैसे वैसे करते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है उसमें, तो आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। फिर समरी आ गई कविता की, कविता में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, जीवनी के बारे में बताया। कविता के दो पार्ट हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, जो मैंने बताया था। ऑक्टेव के अंदर पोइट ने एक्सप्रेस किया पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति अपने दिल की, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए। द पोइट बिकम्स ब्लाइंड इन द मिडिल एज, है ना, अपने जीवन के मध्यम पड़ाव में वो अंधे हो गए और अपने आप को अकेला पा रहे हैं इस संसार में जो बहुत डार्क है, वाइड है, है ना। उनको डर लग रहा है कि नोबडी वुड बिलीव ऑन हिज टैलेंट, कि उन पे कोई यकीन नहीं करेगा कि उनके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है। सो हिज टैलेंट वुड बी एनग्रेव्ड इन हिज ग्रेव, और उनका जो टैलेंट है वो केवल उनकी कबर पे, ग्रेव मतलब कबर पे, एनग्रेव खोद दिया जाएगा, मतलब वो मर जाएंगे तब क्या करेंगे इस टैलेंट का। दो ही वॉन्ट्स टू मेक यूज ऑफ, और वो चाहते हैं मरने से पहले टैलेंट को यूज करना, किसमें, अप्रिसिएशन ऑफ गॉड, भगवान की तारीफ में। दस ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट हिज ट्रू अकाउंट, वो चाहते हैं कि भगवान को सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करें बिफोर गॉड, बिकॉज ही बिलीव्स दैट एवरीबडी हैज टू फेस हिज गॉड, हर एक आदमी को गॉड का सामना करना पड़ता है, फेस मतलब सामना करना मौत के बाद, और उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है अपना अकाउंट कि मैंने जीवन में क्या किया और क्या गलत किया, क्या सही किया, क्यों नहीं किया। तो कभी बहुत ज्यादा पैशनेट हो गया, बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया, भावुक हो गया और निराश हो गया, हेल्पलेस हो गया कि मैं क्या करूंगा, भगवान को जाके क्या जवाब दूंगा कि मैंने क्या नहीं, ये जो आपने टैलेंट दिया था
वो मैंने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर कभी कहता है कि वो प्रश्न पूछता है, उसकी आत्मा उसको उत्तर देती है कि भगवान को तो कोई जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की, बस तुम जीवन जीते रहो। ठीक है, फिर फर्म फेथ इन गॉड, इस कविता का दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आंसर में। फर्म का मतलब होता है दृढ़ विश्वास है भगवान में, रिलीजियस फेथ है कविता। सेस्टेट पार्ट जो है सोनेट का, अर्थात सेकेंड पार्ट जो इसमें 6 लाइनें होती हैं, कवि ने साफ कह दिया है कि मैं जो भगवान जो है वो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ना तो उसको तुम्हारी गिफ्ट चाहिए, ना वो चाहता है कि उसने जो तुम्हें कुछ भेजा है देकर के उसके थ्रू तुम भगवान के लिए कुछ करो। भगवान तो एक राजा के समान है, रॉयल है, हजारों एंजल उसके आज्ञा से एक काम पे लगे हुए हैं। फिर वो कविता की 2 लाइनें फिर से ऐड कर दो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि कविता में फिलॉसफी है, थोड़ा सा दर्शन शास्त्र है, प्यूरिटनिज्म का जो मैंने आपको बताया था एक खास किस्म का धर्म होता है, स्पिरिट ऑफ प्यूरिटनिज्म है कि गॉड के खिलाफ नहीं जाना है, गॉड ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है, आपको बस वी शुड रिमेन कंटेंटेड। कंटेंटेड एक वर्ड आया जिसका अर्थ है संतुष्ट रहना होगा हमें विद आवर लॉट। लॉट का मतलब होता है भाग्य के साथ, लॉट के यहाँ पे लॉट का अर्थ क्या है, भाग्य, लॉट से लॉटरी बनता है। एंड शुड नॉट ग्रम्बल इन द फेस ऑफ हार्डशिप, ग्रम्बल का मतलब है शिकायत नहीं करनी चाहिए जब हमारा सामना होता है दुखों के साथ। दुख आ जाए जीवन में तो ज्यादा बड़बड़ मत करो, ये हो गया ये हो गया, जैसा भगवान ने दिया है जीवन वैसा जियो। तो आपने क्या देखा आज, हमने पिछले जो सेशन है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से एक कविता ले ली, उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ले लिया, और फिर हमने उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम अगली कविता पढ़ाएंगे आपको, उसका इंतजार करें।